अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ऐसे व्लॉग व्हाट्सअप एवरीबॉडी। आज की वीडियो है विकेस डॉट पिक से। मैंने मेकअप रेवोल्यूशंस की कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर की थी। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा। आज उनकी अनबॉक्सिंग करूँगी मैं आप लोगों के साथ और डिटेल्स शेयर कर। मेरा अमाउंट बना था वो था 8779 रुपीज़, और पार्सल जो है वो उस पर ये डिटेल्स हैं प्रोडक्ट्स की, विगैस की, जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई होती हैं, जो जो मैंने ऑर्डर किया है। इसकी अनबॉक्सिंग करूँगी मैं आपके साथ। इसमें कंसीलर है एंड आईब्रो पेंसिल है। देन यहाँ पे जो इनका शेड था F7 मैंने किया था, F7, और F7 इनका अवेल नहीं था मेकअप रेवोल्यूशन की फाउंडेशन स्टिक में, तो मैंने यहाँ पर चूज़ किया था कॉल करके। उन्होंने जब मैंने उनसे ऑर्डर का पता किया तो मेरा ऑर्डर लेट होने का रीज़न ही यही था कि उनके पास F7 नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे मिलता जुलता शेड था F6 जो कि मैंने उन्हें ऑर्डर कर दिया। तो यहाँ पे आप देख लें मेंशन भी हुआ है F7 की जगह। मुझे जो फाउंडेशन आया इसमें वो F6 आया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन सब के अलग अलग प्राइजेज एंड लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो चले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इसको यहाँ पर। इस तरीके से बबल रैप पैकेजिंग में है ये, और बहुत अच्छे से पैक किया हुआ है इन्हें, जिसको काफ़ी मुझे टाइम लग गया था यहाँ पर इनको ओपन करने में। तो ऑफ कैमरा मैंने इनको इजीली कट किया है ताकि मैं आप लोगों के साथ टाइम वेस्ट हुए बगैर आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो यहाँ पे ये मैं यहाँ ओपन कर रही हूँ इसको। फर्स्ट पैक को हम ओपन कर लेंगे, इसमें देखते हैं कि जिस इसमें क्या आया है। मैंने इससे पहले नहीं चेक किया कि क्या क्या चीज़ें आई हैं क्या नहीं, आप लोगों के सामने ही शेयर कर रही हूँ जो कुछ भी है यहाँ। So, हम बिना टाइम जाए के अपना पैकिंग जल्दी से ओपन करेंगे इस पैकिंग को। अगर ये खोल जाए आज की तारीख में तो बहुत ही अच्छा होगा। So, इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे ये ओपन हो चुका है, और यहाँ पे जो फर्स्ट पे यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन की किट है जो कि मैंने बाय की है, ऑर्डर किया है सॉरी। और इसमें एक आपको मिल जाता है हाइलाइटर, दूसरी कंट्रोल स्टिक है, और देन एक ब्रश है इसके साथ। ये मैंने फर्स्ट टाइम मंगवाई है, सो मैं इसका अभी आपको कुछ नहीं कह सकती जब तक यूज़ नहीं करूँगी। बहुत जल्द आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी कि किस तरीके का है और बाय करना चाहिए या नहीं। और सेकेंड पे आ जाते हैं, सेकेंड भी बॉक्स अनबॉक्स कर लेते हैं यहाँ पर इसको भी। इनमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी मेकअप रेवोल्यूशन से नहीं है, बिकॉज़ कि मुझे कुछ और भी प्रोडक्ट्स चाहिए थी जो कि जिन पे ऑफ़ नहीं था। जस्ट मेकअप रेवोल्यूशन पे 25% ऑफ है, और अभी भी है इनकी प्रोडक्ट्स पे जो आप लेना चाहें, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बाय कर सकते हैं। सो यहाँ पर इस रैपर को यहाँ से मूव करेंगे, और फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दिखा देती हूँ। यहाँ पे सिटी कलर का प्राइमर मंगवाया था मैंने, ऑयल कंट्रोल प्राइमर स्प्रे है ये, और बेस बनाने से पहले इसको अप्लाई किया जाता है। आई होप कि मैं आपके साथ बहुत जल्द एक अच्छी सी बेस शेयर कर सकूँ। मुझे कोई डेमो नहीं मिल रहा, जैसे ही मुझे मिलेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और यहाँ पे 7 ml है ये, और बहुत ही अच्छा है, पैराबिन फ्री है ये, इसकी सबसे अच्छी एक गुड पॉइंट है। और यहाँ पे छोटू सा एक बॉक्स बना है जिसमें 12 मंथ इसके अंदर मेंशन है, और 12 मंथ के अंदर आपको इसको यूज़ करना होता है, उसके बाद ये एक्सपायरी है इसकी। सो लेना चाहें तो 1100 रुपीज़ का ये मुझे पड़ा है। और इनका सबसे अच्छा विगेस डॉट पीके की जो DC चार्जेस हैं वो बहुत ही नॉर्मल हैं, जस्ट 99 रुपीज़ में आपको ऑल क्रॉस पाकिस्तान में मिल जाता है। और यहाँ पे मेरे पास एसेंस का आई लव एक्सट्रीम है, और ये वाटरप्रूफ एसेंस का मस्कारा है जो कि सुपर डुपर काम करता है और बहुत ही आपकी वॉल्यूम देता है।
लैशेस को यूज़ करना चाहें तो मेरी रिकमेंडेशन पे ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा है और लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम देता है आपके लैशेस को, बिल्कुल फॉल्स लैशेस की तरह लगता है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे लैशेस एसेंस का ही दूसरा मस्कारा है जो कि वाटरप्रूफ नहीं है, और ये प्रिंसेस है, प्रिंसेस मस्कारा है, ये मैंने फर्स्ट टाइम मंगवाया है। इसको मैं यूज़ करने के बाद भी बताऊंगी, इसका जो माउंट है वो बहुत ही बारीक सा और बहुत अच्छा सा एप्लीकेटर है जिससे कि अच्छे से मस्कारा आपका लगता है, फॉल्स लैश इफेक्ट देता है ये। यूज़ करने के बाद ही आपको बता सकूंगी कि ये किस तरीके का है, बट इसकी भी मैंने बहुत तारीफ़ सुनी थी तो ये भी मैंने बाय किया। ये समथिंग 1200 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऑर्डर करना चाहें तो ले सकते हैं MIGAZ.PK से। देन यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन पे 25% ऑफ पे ये मुझे 800 रुपीज़ आई थिंक ये पड़ी है, और इसका जो है ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मेकअप रेवोल्यूशन की जो आईब्रो पॉमेट है, सॉरी आईब्रो पेंसिल है, बिकॉज़ के इसकी जो ये अंदर से अभी मैं आपको ओपन करके बॉक्स में से दिखाऊंगी, जो इनकी ये पेंसिल है बिल्कुल ही बारीक सी और बहुत ही हल्की सी है, जो कि मुझसे ऑलरेडी टूट गई थी। यहाँ पे भी आगे आप देखेंगे बॉक्सिंग इनकी देख लेंगे, पैकेजिंग जो है ना इनकी, यहाँ से भी ये सील पैक आया है, और इसको ओपन कर लेते हैं। शेड नंबर यहाँ पे जो है मेरे पास वो है इसमें डार्क ब्राउन, जो कि मेरे आईब्रो के हिसाब से ठीक है। अगर आपकी ब्लैक या थोड़ी सी डार्क कलर की आईब्रोज हैं तो आप डार्क ब्राउन ले लें, वरना लाइट ब्राउन भी ले सकते हैं, पर मेरी तरफ से ये बिल्कुल फेल है, ये बिल्कुल यूज़ में नहीं आई। 800 रुपीज़ में ये बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ी है मुझे, बहुत ही ज़्यादा। इसके साथ एक साइड पे ब्रश भी है, आईब्रो ब्रश, और एक साइड पे ये पेंसिल है, बट पेंसिल जो है वो बहुत ही बारीक सी और थिन सी है, यहाँ पे आप आगे देखेंगे भी। मुझे लगा कि ये अच्छी होगी इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया इसको। इससे आपको जो है ना मिस रोज़ की वो ज़्यादा रिजनेबल पड़ेगी, बिकॉज़ के वो जस्ट 400 रुपीज़ में, यहाँ इसकी डिटेल्स मेंशन है, मिस रोज़ की आपको 400-300 समथिंग मिल जाती है, तो इट इज़ कॉस्टली, बिकॉज़ कि ये आपको 850-800 रुपये में मिल रही है। ये आप ना ही लें तो अच्छा है। यहाँ पे ओपन करने पे आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल ही बारीक सी, इसका ये इस तरीके से ऊपर घुमाएंगे आप इसको तो ये बहुत ही बारीक थी यहाँ पे, ये आप देखिए ये बहुत ही बारीक सी, और ये जब मैंने ओपन की थी ना अप्लाई करने से पहले ही ये मुझसे टूट चुकी है, और ये मैंने वापस से दोबारा इसके अंदर इसका जो सिक्का होता है ये वापस लगाया है, और यहाँ भी ये बहुत ज़्यादा प्रेस करने की वजह से, ये देखिए कलर अच्छा है, सब चीज़ है, बट ये थोड़ा सा इनको जो है ना बहुत ही थिन सी है, पतली सी है, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद आई। हॉनेस्टली रिव्यू दे रही हूँ आपको मैं कि मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं आई, ये मेरे पैसे ज़ाया हुए हैं इस पे। देन यहाँ पे जो है डिफाइन कंसीलर है मेकअप रेवोल्यूशन का, और अगर मेरी सजेशंस पे कुछ लेना चाहते हैं तो सुपर डुपर काम करता है, ये मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ इसीलिए आपको बता रही हूँ, इसका बहुत जल्द आपके साथ रिव्यू भी शेयर करूँगी। आगे आप इसका शेड भी देखिएगा, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, क्रीमी फार्मूला है, बहुत ज़्यादा पैची नहीं करता, और सबसे अच्छा कंसील करता है आपके डार्कर एरियाज। अच्छा बाय करना चाहते हैं तो ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन है डिफाइन कंसीलर, जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छे से आपको कवरेज देता है, कंसील करता है। यहाँ पर नेट भी यहाँ इसका जो है देख लीजिए, और ओपन करके इसको मैं बता देती हूँ, शेड नंबर इसका मेरे पास है C2। C2 जो है वो आपका समझ लीजिए एवरी के साथ जाता है, कंसील करने के लिए आप हमेशा एक टोन ऊपर ही लें कंसील करने के लिए, बिकॉज़ के आपको हाइलाइटिंग करने के लिए हाइलाइटर एरियाज़ पे, आईज़ के नीचे एंड नोज़ पे, और आपकी जो ये लिप के पास साइड्स पे, लिप के साइड पे जो डार्कर एरियाज होते हैं वहाँ पे कंसील करने के लिए थोड़ा सा एक शेड लाइट ही लेना चाहिए हमेशा, ताकि आपके बेस के साथ ये बिल्कुल अच्छे से जाए। सेकंड नंबर पे यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन की स्टिक है, जिसका शेड जो है मेरे पास आया है FS6। मैंने FS7 ऑर्डर किया था, जो कि मेरी स्किन टोन के रिक्वायरमेंट पे था, ये थोड़ा सा लाइट है, थोड़ा सा डार्क है उससे, बट फिर भी ये ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था FS6 का और FS7 का, तो मैंने यहाँ पे FS6 ऑर्डर की है। पहले मैंने कैंसिल कर दिया था स्टिक ऑर्डर, बट FS6 फिर मैंने मंगवा ली कि कोई नहीं, मैं देख लेती हूँ कि अगर मेरी स्किन पे चल जाएगी, बिकॉज़ कि मैं C2 जो है वो ऑलरेडी लाइटर कलर है, तो उससे मैं कंसील के अंदर अपना
बैलेंस कर लूँगी, अगर ये स्टिक पे डार्क हुआ तो फिर वो कंसील में मैं लाइट पे ले जाऊँगी। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। आप लोगों को बताने का जस्ट मकसद यही है कि अगर कोई स्टिक आपके पास डार्क और लाइट है तो आपको आप उसको मिक्सअप करके जो आपके हाईलाइट एरियाज हैं उनमें लगा सकते हैं। जस्ट आपको अप्लाई करना आना चाहिए। और मैं ये आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ बहुत अच्छे से। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा। शेफर की बेस मैंने आपको प्रॉपर बनाना बताई है, और ये भी मैं कोशिश करूँगी कि इसकी भी आपको बेस बताऊँ। और बहुत ही क्रीमी फार्मूला है यहाँ पे, देखिए। अगर कुछ लेना चाहते हैं तो वर्थ बाइंग गर्ल्स, ये आप ले सकते हैं। मैंने पहले वाली वीडियो में भी आप लोगों से यही कहा है कि अगर कुछ लेना चाहते हैं मेकअप रेवोल्यूशन में तो ये वाली स्टिक बेस्ट एंड बेस्ट है। और यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही फ्लेवलेस सी आपकी बेस बनेगी, बहुत ही अच्छी सी। और कोशिश होगी इंशाल्लाह मैं इसका और मिस रोज़ की फाउंडेशन का आपको जल्द ही रिव्यू शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। उसके लिए आप मेरा नोटिफिकेशन बेल ऑल पे कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी मेकअप रेवोल्यूशन एंड मिस रोज़ की प्रोडक्ट्स। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने मंगवाई थी विगेस डॉट पी के, वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने विगेस डॉट पी के से मंगवाई थी। 10,000 का अमाउंट मैंने यहाँ पे बजट में अपने रखा था, जो कि मेरा अमाउंट बना है 9,000 रुपीज़ तक का। सो ये वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आई हो तो आप मुझे इंस्टा पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स को। यहाँ पे मेरा इंस्टा आ जाएगा, आप उस पर मस्ट मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और यहाँ पे लेफ़्ट हैंड पे जो है मेरा यहाँ फेसबुक आ जाएगा, फेसबुक पे जाएगा, उसको भी लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। मुझे बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ गिव अवे भी शेयर करूँगी। अगर आप लोगों ने फॉलो किया मुझे इंस्टा एंड फेसबुक पे एंड मैसेज कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को गिव अवे में शामिल कर सकूं। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाजमी कमेंट कीजिएगा, साथ ही आई बटन पे जाके आप इसकी वो वीडियो देख लीजिएगा जहाँ पे मैंने ऑर्डर किया था। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। साथ ही बेल आइकॉन को मस्ट प्रेस कर दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि आपको मेरी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे। इजाज़त चाहूँगी आप सबसे, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।